SB 1.1.16 पुण्यश्लोकद्य कर्मणाः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशा कलिमलापहम्। तो भगवान इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। कलयुग जो है वो सारे बुराइयों का कारण है, माने कलयुग में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो कलयुग में नहीं हो। जितने भी पापाचार हैं, जितने भी पापों के आचरण हैं, वो सब कुछ इस युग में भर भर कर हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने पर लोग बड़ी बड़ी लड़ाई कर लेते हैं, लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, जरा जरा सी बात पर रिश्तेदारों के बीच इतनी इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है बस अपने ईगो के लिए। तो लेकिन ऐसे युग में अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है और उसे अपने अहंकार को तुष्ट करने की इच्छा नहीं है, या उस जिसके अंदर अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा नहीं है, जो कोरे ज्ञान में नहीं लगा रहता, बस भगवान की भक्ति यानी भगवान के प्रेम को ही इम्पोर्टेंस देता है, वो इस जटिल युग के बंधन से छूट सकता है, यानी वो कलयुग के इस बंधन से छूट सकता है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें फ्रेंडशिप चाहिए, लेकिन वो भगवान की महिमा का श्रवण करने की सरल विधि को नहीं स्वीकार करते, जिससे कि हम तुरंत बहुत जल्दी से इस सारे दुखों से मुक्त होकर सुकून और शांति और फ्रेंडशिप वाले माहौल में जी सकते हैं। लेकिन ये जो नेता लोग होते हैं वो भगवान की महिमा का प्रचार नहीं करना चाहते, उल्टा वो इसका विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं और इसके नाम पर वो बहुत हर वर्ष नया नया योजना बनाते रहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और इसको हम इसी तरह हम बिना भगवान के ही देश में शांति लेकर आएंगे, लेकिन शांति आती नहीं है। वो चाहे हजार कोशिश कर लें, क्योंकि जब भागवत में ये लिखा है कि हमें इस कलयुग के कला प्रधान युग के से पापों से उद्धार चाहिए, तो हमें श्री कृष्ण की ही शरण लेनी है, उनके ही नाम का संकीर्तन करना है, उनके ही लीलाओं का उनके ही यशों को सुनना चाहिए। तो इस तरह ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो गलत तरीके से शांति पाने की कोशिश करते हैं, पर शांति कभी आती नहीं। तो इस तरह हमें इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों को यानी उनकी जो लीला है उनको हमें सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, उनका यशोगान करना चाहिए, कि जैसे कि इस भागवतम के पुष्ट में इस पेज पर अंकित है। हरे कृष्णा।